आज के दिन राज्यसभा का मेंबर हूं। मैंने अपना इस्तीफा दिया हुआ है और मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ अभी, हालांकि 12 तारीख को दे दिया था, मैंने वायदा किया था, क्योंकि हमारी पार्टी में एक परंपरा है कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी, अब तो हमारी पार्टी है ना। तो और ये तो ऐसे हैं, इनको तो आप ऐसी मजेदार बात सुना दो, ये हिंदी ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा कष्टदायक हिंदी मत बोलो, मेरे के मेरे बोल दो सारे आपके साथ हो जाएंगे। तो हमारे को 10 लाख रुपए मिलते हैं साल में, वैसे 5 करोड़ रुपया मिलता है राज्यसभा के एमपी हो या लोकसभा के, लेकिन स्टेट से बाहर खर्चने के लिए हमें सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसलिए मैं विधायक जी का तो मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा हाउस ऐसा है, मेरे 3 साल बाकी हैं अभी, आपके भी 3 ही है, आपके तो पता नहीं बीच में भी टूट जाए, लेकिन राज्यसभा तो पक्का काम है। लेकिन मैंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इसलिए दिया, ये भी जाट ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता, सुन लो, मैंने प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के चिट्ठी लिखी फरवरी में कि मेरा बेटा आईएएस अफसर है, 21 साल की उसकी नौकरी है, 14 साल और बाकी है, मेरी 47 साल का राजनीतिक जीवन है, 47 ईयर, पहला चुनाव 72 में लड़ा था, ज्यादातर की तो इतनी उम्र ही नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं पहला चुनाव 72 में लड़ा था, ज्यादातर की तो इतनी उम्र ही नहीं होगी, तो मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा चुनावी मैदान में आए, और इसलिए नहीं चाहता कि मेरा बेटा है, मैं इसलिए चाहता हूं कि जैसे भाई युद्धवीर ने कहा, छोटू राम जी ने कुछ एजेंडा रखा था इस देश के, तो मेरे वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हो सकता है उनकी उम्र में वो पूरा नहीं कर सके, 61 साल की उम्र में तो देहांत हो गया था उनका, मैंने 47 साल की राजनीति में उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत उसमें सफल हुआ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता कि उनकी दिखाए हुए रास्ते पे अगर हम और आगे चले तो हो सकता है हमारा समाज और ये देश का किसान इसको कुछ लाभ हो, इसलिए मैं अपनी इस्तीफा दूंगा। मेरे बेटे को टिकट दिया गया और वो जीता, और संयोगवश मेरी धर्मपत्नी भी एमएलए थी, तो मुझे लगा कि पार्टी के लोग ये कहेंगे भाई सारा परिवार ही, हम तो परिवारवाद के खिलाफ, तो मैंने इसलिए इस्तीफा दिया था, और मेरे को कहा गया कि उपयुक्त समय पे आपका इस्तीफा मंजूर करेंगे, तो हो सकता है कि इस साल वाले, तो क्योंकि मैं आज अनाउंस करूंगा तो अगर कल नहीं भी रहा तो आज की तो निभाएगी बात सरकार, हाँ तो 10 लाख रुपए, लेकिन अगर मैं नहीं रहा और पैसे नहीं आए तो ये मत कहना कि अपनी जेब से दे दो, मेरे पास जेब में नहीं, मैंने ईमानदारी की राजनीति की है, और आगे भी मैं ये कहता हूं कि अगर दुनिया में किसी को सफल होना है अपने किसी भी ध्येय में तो पैसे से सफल नहीं होता, आप जितना अपने साथियों के साथ जुड़ाव रखोगे उतना ही आप सफल हो, किसी को सफल होना है अपने किसी भी ध्येय में तो पैसे से सफल नहीं होता, आप जितना अपने साथियों के साथ जुड़ाव रखोगे उतने ही आप सफल होंगे, और इसीलिए मैं 10 लाख रुपया अपना जो एमपी लेड है जिसकी मेरे को मिल सकते हैं वो इस
काम में लगाऊंगा। और हाँ, लाखे के रुपए तो तुम कभी भी नहीं सोचोगे, इतना मैं बोलता भी नहीं, कभी सोचूंगी तो ना आ जाना ठीक ठाक हो, लाखे तक तो चला सकते हो भाई, 70 एकड़ जमीन है हाँ, और हरियाणा की और पंजाब की जमीन तो सोना उगलती है। और इसी तरीके से मेरे को कोई कहने लगा जी आप काम क्या करते हो, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, मैंने कहा राजनीति करूंगा। क्यों रिटायरमेंट के, पहले कहा मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है, राजनीति से तो नहीं लिया। कई तो कह देंगे ना मैं तो सामाजिक काम करूंगा, मैं कोई समाज समूह का काम नहीं करता, मैं सिर्फ राजनीतिक हूं, ना मेरा कोई, ना मैंने कभी खेती की, ना मेरा कोई ऐसा धंधा कोई बिजनेस हो। वैसे मैं भाषण तो आपको दे रहा हूँ, मेरा अपना ही लेकिन इसलिए कह रहा हूँ मेरा समाज आगे बढ़ रहा है। और एक समय आएगा, आज हम कहते हैं कि अमेरिका में 38% भारतीय जो आईटी के अंदर जिनकी मोनोपोली है, उनमें भी मोनोपोली साउथ इंडियन की है। जिस दिन जैसे परिहार जी ने कहा, एक समय आएगा कि हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि खेलो, खेलो में जितना पैसा है वो गया जमाना, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब तो वो बनते हैं जो राजनीति में प्रवेश करके डिवीजन जैसे थर्ड हो। हाँ, मेरी राजनीति सबसे इजी रास्ता है, सबसे कठिन रास्ता है अपने आप को ऊपर उठाने का, और वो अपनी शक्ति से आप उठा सकते हो। मैं आखिर में आपसे भी माफी चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी माफी चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी मेरी आदत है, लगी भाव बेहतर में रहा था, ज्यादातर की तो इतनी उम्र ही नहीं होगी, तो मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा चुनावी मैदान में आए, और इसलिए भी चाहता कि मेरा बेटा है, मैं इसलिए चाहता हूं कि जैसे भाई युद्धवीर ने कहा, छोटू राम जी ने कुछ एजेंडा रखा था इस देश के, तो मेरे वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हो सकता है उनकी उम्र में वो पूरा नहीं कर सके, 61 साल की उम्र में तो देहांत हो गया था उनका, मैंने 47 साल की राजनीति में उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत उसमें सफल हुआ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता कि उनकी दिखाए हुए रास्ते पे अगर हम और आगे चले तो हो सकता है हमारा समाज और ये देश का किसान इसको कुछ लाभ हो। इसलिए मैं अपनी इस्तीफा दूंगा। मेरे बेटे को टिकट दिया गया और वो जीता, और संयोगवश मेरी धर्मपत्नी भी एमएलए थी, तो मुझे लगा कि पार्टी के लोग ये कहेंगे भाई सारा परिवार ही, हम तो परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो मैंने इसलिए इस्तीफा दिया था। और मेरे को कहा गया कि उपयुक्त समय पे आपका इस्तीफा मंजूर करेंगे, तो हो सकता है कि इस साल वाले, तो क्योंकि मैं आज अनाउंस करूंगा तो अगर कल नहीं भी रहा तो आज की तो निभाएगी बात सरकार, हाँ तो 10 लाख रुपए, लेकिन अगर मैं नहीं रहा और पैसे नहीं आए तो ये मत कहना कि अपनी जेब से दे दो, मेरे पास जेब में नहीं, मैंने ईमानदारी की राजनीति की है। और आगे भी मैं ये कहता हूं कि अगर दुनिया में किसी को सफल होना है अपने किसी भी ध्येय में, तो पैसे से सफल नहीं होता, आप जितना अपने साथियों के साथ जुड़ाव रखोगे उतना ही आप सफल हो। आज के दिन राज्यसभा का मेंबर हूं, मैंने अपना इस्तीफा दिया हुआ है और मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ अभी, हालांकि 12 तारीख को दे दिया था, मैंने वायदा किया था, क्योंकि हमारी पार्टी में एक परंपरा है कि परिवारवाद
यही रुकेंगे के खिलाफ है बीजेपी, अब तो हमारी पार्टी है ना। तो और ये तो ऐसे हैं, इनको तो आप ऐसी मजेदार बात सुना दो, ये हिंदी ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा कष्टदायक हिंदी मत बोलो, मेरे के तेरे बोलते सारे आपके साथ हो जाएंगे। तो हमारे को 10 लाख रुपए मिलते हैं साल में, वैसे 5 करोड़ रुपया मिलता है राज्यसभा के एमपी हो या लोकसभा के, लेकिन स्टेट से बाहर खर्चने के लिए हमें सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसलिए मैं विधायक जी का तो मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा हाउस ऐसा है, मेरे 3 साल बाकी हैं अभी, आपके भी 3 ही हैं, आपके तो पता नहीं बीच में भी टूट जाए, लेकिन राज्यसभा तो पक्का काम है ना। लेकिन मैंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इसलिए दिया, ये भी जाट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सुन लो। मैंने प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के चिट्ठी लिखी फरवरी में कि मेरा बेटा आईएएस अफसर है, 21 साल की उसकी नौकरी है, 14 साल और बाकी हैं। मेरी 47 साल का राजनीतिक जीवन है, 47 ईयर्स, पहला चुनाव 72 में लड़ा था, ज्यादातर की तो इतनी उम्र ही नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं